नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। ब्रालेस ड्रेस पहनकर असहज हुई जन्नत जुबैर, मीडिया के सामने ही करती रही बार बार फिक्स। जी हाँ, जन्नत जुबैर अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है और अक्सर उनके लुक्स को लेकर खबरें आती रहती है। कई बार वो इतनी बोल्ड हो जाती है कि लोगों के द्वारा उनको काफ़ी ट्रोल किया जाता है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है और एक वीडियो सामने आकर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जन्नत जुबैर ब्रालेस लुक में दिख रही है। जी हाँ, पेपराजी लगातार उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहा है और वीडियो भी बना रहा है। ऐसे में वो सिर्फ जिस ड्रेस के साथ दिखी थी उसमें वो कुछ असहज महसूस कर रही थी। यही कारण है कि मीडिया के सामने भी वो लगातार अपने ड्रेस को फिक्स करती नज़र आ रही थी। इसके साथ लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे हैं और एक ने लिखा है, मुझे अच्छा लगता है कि कैसे वह हमेशा अपना मेकअप न्यूनतम रखती है। एक का कहना था, वो जिस तरह से खुद को संभालती है वो पसंद है रानी। जी हाँ, एक ने लिखा, जिस तरह से वो खुद को बहुत खूबसूरती के साथ कैरी करती है वो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से लोग जन्नत की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा भी अपने हॉट लुक और मैगजीन्स कवर के कारण जन्नत जुबैर चर्चा में रहती है। जन्नत जुबैर ना सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है बल्कि बेहतरीन डांसर भी है। जन्नत जुबैर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने इंस्टा रील्स और वीडियोस बनाकर पोस्ट करती रहती है, कभी अपने छोटे भाई के साथ तो कभी अपनी फैमिली के साथ वे इंस्टा पोस्ट करती है। फिलहाल आप देखिए ये वीडियोस जो कि वायरल हो रहा है। म्यूजिक कॉन्सर्ट में स्पॉट हुए आदित्य और अनन्या पांडे। बॉलीवुड में अब एक नए कपल की चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से हो रही है। जी हाँ, ये कोई नई बल्कि अनन्या पांडे आदित्य रॉय कपूर है। इन दोनों की डेटिंग की खबरें लगातार मीडिया में बनी हुई है। हालांकि अभी तक आदित्य अनन्या ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आदित्य के साथ अनन्या के इश्क विश्क की खबरें ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। ताज़ा रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि कपल गुपचुप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में आदित्य अनन्या एक साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट एंजॉय करते नजर आए। कपल की ये रोमांटिक म्यूजिक डेट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ, साल 2022 में कृति सेनन की दिवाली पार्टी में आदित्य अनन्या साथ स्पॉट हुए थे। तब से दोनों के लव अफेयर की खबरें फैल गई थी। दोनों की डेटिंग की अफवाहों का लगातार बढ़ती ही जा रही है। भले ही कपल ने इस पर खामोशी बनाए रखी हो लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों की साथ वाली फोटोज वायरल होते जाती है। डेटिंग की अफवाह के बीच अनन्या पांडे आदित्य रॉय कपूर ने हाल ही में एक आर्कटिक मैगजीन कंसर्ट में भाग लिया है। जी हाँ, 11 जुलाई को अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो स्पेस में आर्कटिक मैगजीन के एक म्यूजिक कंसर्ट में एंजॉय करती नजर आ रही थी। उन्होंने इंस्टा स्टोरी भी वीडियो शेयर कर कैप्शन दिया, आर्कटिक मॉकीज दिल इमोजी। जी हाँ, जैसा कुछ भी नहीं, मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा गाना। दूसरी ओर आदित्य राय कपूर ने भी उसी सिंगर के संगीत कंसर्ट का एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने इसकी इमोजी के साथ अपनी एक सीक्रेट डेट का खुलासा कर दिया है। फिर क्या सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों की सेट सेम कंसर्ट स्टोरी देख अंदाज़ा लगा लिया है कि वो दोनों साथ में म्यूजिक डेट पर गए थे। जी हाँ, फैंस ने कपल को अब तक की सबसे पसंदीदा जोड़ी लाइगर एक्ट्रेस अनन्या पांडे में डाल ही। हाल ही में अपनी शादी के बारे में बात की थी। अनन्या ने कहा था कि वो शादी के लिए अभी बहुत छोटी है। वही आदित्य रॉय कपूर भी अनन्या के साथ अपने रिलेशनशिप पर चुप्पी साधे हुए हैं। इमोशनल हुई फलक को अविनाश ने दिया कंधा। देखे बिग बॉस के नए कपल का रोमांस। जी हाँ, बिग बॉस OTT सीजन 2 धूम मचा रहा है। प्रीमियर के बाद से ही देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। ये शो शहर में चर्चा का विषय बन गया है। इस सीजन ने दर्शकों को काफ़ी इंटरटेन किया है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है कंटेस्टेंट के बीच मारकाट मचने लगी है। जी हाँ, हाल ही में शो में नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसके बदले में एक कंटेस्टेंट्स को अपनी कोई दिल अजीज छोड़नी थी। ऐसे में जब फलक नाज को ये टास्क मिला तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई। इतना ही नहीं, फलक की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें कंधा देने हैंडसम हंक अविनाश सचदेव कूद पड़े। जी हाँ, बिग बॉस OTT 2 के
25वें एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क के दौरान फलकनाज फूट फूट कर रोने लगी थी। दरअसल नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस कंटेस्टेंट से अपनी किसी खास चीज़ को छोड़ने को कहा गया था। इसके बदले में ही वो किसी खिलाड़ी को नॉमिनेट कर सकते थे। जिया शंकर, अभिषेक मल्हान इस टास्क के लीडर थे। अभिषेक को दर्शकों ने सेफ रखा, वही जिया शंकर घर की कैप्टन होने की वजह से नॉमिनेशन से बच गई थी। टास्क के सेकेंड राउंड में फलकनाज ने मनीष रानी को नॉमिनेट करने का बदले में अपने फैमिली फोटो को बलिदान दिया था। ये फोटो फिर अभिषेक ने फ्लश कर दी थी, जिसे देखकर फलक का दिल दुखा, जो फूट फूट कर रो पड़ी। फलक की आंखों में आंसू आ गए, वो अपने बिस्तर की ओर चली जाई, जहां अविनाश सचदेव फलक को संभालते पीछे पीछे दौड़ पड़े। अविनाश ने फलक को गले लगा लिया। अभिषेक ने फलक को समझाया कि उन्होंने जो भी किया वो सही है। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी 2 में फलकनाज अविनाश सचदेव नए हॉट कपल है। अविनाश ने हाल ही में फलक के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। दोनों के बीच धीरे धीरे रोमांस पनप रहा है। हालांकि फलक ने अभी रिलेशनशिप में जाने से इनकार कर दिया है। वहीं बाकी कंटेस्टेंट फलक अविनाश के लव एंगल को लेकर उन्हें चिढ़ाते रहते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी ऋषि अंसारी के साथ नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।